बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक मरतबा फिर आपके साथ फाउंडेशन शेयर करने लगी हूँ। उसके नाप को दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह से मेरी निकाह की ब्राइड हैं, और निकाह के लिए कौन सी फाउंडेशन चूज़ करनी है और स्किन के अकॉर्डिंगली स्पेशली, आप देख रहे हैं इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज भी है, और आपको पता है ये मेरे ही हिस्से में आती हैं ऐसी स्किन। पता नहीं क्यों इतनी खूबसूरत खूबसूरत स्किन कहाँ चली जाती हैं, कौन से सैलून में जाती हैं भाई, ये मुझे नहीं समझ आती। लेकिन खैर, मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि मैं ऐसी स्किन को डील करती हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह हम भी एक नॉर्मल से इलाके से बिलोंग करते हैं, तो मेरी बड़ी प्यारी सीखने वाली जितनी भी हैं सब्सक्राइबर, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आप स्किन देख लें, इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन जो चूज़ करने लगी हूँ बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन यार कमाल की है। दूसरी एक और बात, काइंडली अच्छे अच्छे मैसेज जो हैं आप लोग करते हैं, दुआएं देते हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन पता नहीं क्या है, 2-3 दिन हो गए हैं मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, और टिकटॉक को मेरी तरफ से पता नहीं क्या हो गया भाई, मेरी जो हैं वीडियोस वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। खैर, दुआ कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुंचती रहें, और जो टिकटॉक है वो हमें भी अप्रिशिएट करे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे इनके फेस पर हम लोग मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिसको ये चाहिए ये स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम का जो पेज है ब्यूटी फैक्ट्री से ले लें, कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। तो इनके फेस पर ये अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि स्किन के जितने भी पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं, और इनकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाए हमारी फाउंडेशन के लिए। प्राइमर लगा रही हूँ, अफोर्डेबल है, मिस रोज़ का, ज़ीरो पोर्स को कर देता है। जल्दी से लगाओ भी। अच्छा, कलर करेक्शन के लिए ये मैंने अपना एक पैलेट उठाया है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अगर किसी के पास कलर करेक्शन नहीं है तो ईजीली आप क्या कर सकते हैं, आपने उठाना है कोई सा भी, अगर रेड कलर उठाया है तो उसको इतना आपने लाइट शेड के अंदर मर्ज कर देना है कि आपका विश कलर जो है ना वो आ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल इसके अंदर आपने लाइट शेड के अंदर मिक्स करना है और इसको अप्लाई करना है अपनी। बेटा हाँ, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लगा के दिखाओ। ये अभी भी थोड़ा डार्क है, इसके अंदर ये वाला मिक्स करो, ये वाला कलर, और मज़ीद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। चलो जी, ये पीच सा शेड जो होता है ना, पीच पिंक सा शेड, वो लगाना है आपने। वो इसलिए क्योंकि डार्क सर्कल इतने ज़्यादा नहीं है, लाइट सी डिसकलरेशन है, बस लाइट सी उसको हाइड करेंगे हम। बहुत कम क्वांटिटी में आपने लगाना है। ठीक हो गया। आपके पास अगर इसके अलावा कोई सा भी कलर करेक्टर है, लेकिन पिंक सा होना चाहिए शेड, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, तो ये आपने टैप टैप करके लगा लेना है। अच्छा, इस पॉइंट पर भी, साइड पर इनका शायद बर्थ मार्क था, वहाँ पर भी हमने लगा दिया है। अब जो फाउंडेशन है वो मैं आपके साथ रिवील करती हूँ, मैं कौन सी फाउंडेशन लगाऊंगी। ये मेरे हाथ में कलर स्टूडियो की है, बहुत ही अच्छी है, मेरी फेवरेट है, स्पेशली निकाह की ब्राइड हो या स्पेशली इंगेजमेंट की ब्राइड हो, उसके लिए मैं ज़रूर ये दोनों कलर मिक्स एंड मैच करके, या डार्क टू डस्क की स्किन आ जाए तो ये वाला कलर लगाती हूँ, अगर मीडियम टू फेयर आ जाए तो ये वाला उठा के लगाते हैं। और इनके नंबर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये कलर है इसका नेचुरल स्किन के लिए, C15 है, और ये है क्लासिक बेज, इसका है नंबर N30। मैंने स्पेशली दिखा दिए आपको। अब दोनों को स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कलर लगाएंगे, क्योंकि आपने स्किन देखी है मेरी ब्राइड की, तो पहले ये वाला बेटा कलर उठाओ, हाँ पंप करो इसको, हाँ ये पंप आपने निकालना है और इसके बाद आपने लगाना है। ये आप कलर देखिए कितना उनकी स्किन के बिल्कुल मैच है, और ज़बरदस्त फाउंडेशन बनेगी। फाउंडेशन जो है मैट है, लॉन्ग लास्टिंग है, कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। मोस्टली लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं, आपकी कोई जो है एक हमें फाउंडेशन बताएं जो हम लोग अपनी ब्राइड्स पर यूज़ कर सकें, तो यार ये आप इजीली जो है बाय कर सकते हो। आई थिंक सो 3500-4000 के राउंड अबाउट है, लेकिन पैसे मत देखें, आपको जो आपका क्लाइंट पे करके जाता है उसके अकॉर्डिंगली काम किया करें। ठीक है, आपको मैंने अफोर्डेबल्स भी बताई हैं काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन, ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा वर्क करती हैं, अगर वो आपके हाथ पे बैठ जाएं या आपको वो एप्लीकेशन करने का तरीका आ जाए तो वो भी बेस्ट एंड बेस्ट हैं।
ठीक है। अब आपको पता है कि क्लाइंट की विश होती है कि मैंने पैसे अगर अच्छे पे किए हैं तो मुझे पे ऑफ भी अच्छा मिलना चाहिए, तो ये फाउंडेशन आप लोग इजीली आंख बंद करके जो है बाय कर सकते हैं। बोल बोल के देखो ना मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, और ये टिकटॉक जो है डिसक्वालीफाइड जो है मेरी वीडियोस को कर रहा है, और दुख होता है यार इस तरह क्यों होता है, वार्निंग आ रही है बार बार। तो ये देखें माशाल्लाह से फाउंडेशन कितनी अच्छी है बेटा, सारे फेस पर अप्लाई करो और इसकी एप्लीकेशन चेक करें, ठीक है, और सब कुछ हाइड हो गया है। अच्छा, डार्क टोन में जो था पूरे फेस पर अप्लाई कर चुके हैं। अब उसके बाद ये वाला जो कलर है ना, क्या नंबर है इसका, C15 कलर, ये हाइलाइटेड एरिया पर हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो फाउंडेशन है खूबसूरत और थोड़ी इसी फेयर टोन में लगे। जल्दी से लगाओ बेटा, ये अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर देंगे, स्पेशली अंडर आई आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करना है। अच्छा, इसको बिल्कुल लॉक करने के लिए रिवाज एसटी का ये नंबर है 1, ये मैं लगाने लगी हूँ। इसको फिक्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर आई लगाऊंगी। जल्दी से बेटा ओपन करो, लगाओ, ये टैप टैप करके आपने लगाना है। बहुत ज़बरदस्त है, हाई कवरेज है इसकी, रिवाज एचडी की 01 नंबर है इसका, और फिनिशिंग देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है। साथ ही जितने भी पोर्स ओपन थे सारे लॉक हो गए हैं, और फाउंडेशन भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कलर स्टूडियो का फाउंडेशन लगाया है तो वही आप लोग इसके ऊपर अप्लाई करें कॉम्पैक्ट पाउडर। आपके पास कोई सा भी है, क्रिस्टाइन का है, मिस रोज़ का है, ग्लैमरस का है, आप कुछ भी लगा सकते हो अपनी फाउंडेशन को लॉक करने के लिए। अच्छा, ये माशाल्लाह से मैंने आपको दिखा दिया फाउंडेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें।